स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन कुछ लॉज देख रहे थे। वो लॉ किस बात के थे कि केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, रिएक्शंस होती है, तो कुछ कंपाउंड जब जनरेट होते हैं तो उनके जो कंबाइन होने के लिए कुछ लॉज बनाए गए। उसमें ऐसा बोला गया कि हमेशा मास कंजर्व रहेगा, आप चाहे एक रिएक्टेंट से चाहे रिएक्शन करा के चाहे कुछ भी बना लो, ऐसा नहीं हो सकता कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाते टाइम मास बढ़ जाए या फिर मास कम हो जाए, है ना। लेकिन ये जो लॉ है किसी प्रकार की न्यूक्लियर केमिस्ट्री में तो नहीं लगता। न्यूक्लियर केमिस्ट्री बच्चों एक ट्वेल्थ में अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती रहती है, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, बराबर है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। सेकंड लॉ अपने पास क्या था, सेकंड लॉ था बच्चों डेफिनेट प्रोपोर्शन। मीन्स वॉट, अगर कोई एक कंपाउंड बना है तो उसमें चाहे वो कंपाउंड कहीं से भी आया हुआ, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका सोर्स क्या है, है ना, और उसका जो एलिमेंट्स उसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे उनके जो मास का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। लेट सपोज मान लो मीथेन है, तो बोलेंगे मीथेन सर मैंने कैसे बनाई है, तो मीथेन के हो सकता है बच्चों हज़ारों सोर्स हो बनाने के, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो मीथेन कैसा बनाए, उसमें एक कार्बन होगा और फोर हाइड्रोजन होंगे, ये बात फिक्स है। इसको ही बोलते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। बाद में क्या मैंने पढ़ाया आपको, मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या करना होता है कि मान लो कोई दो एलिमेंट है और उन दो एलिमेंट से मिला के लेट सपोज आप टू और मोर देन टू कंपाउंड जनरेट कर सकते हो, तो आप चाहे कितने भी कंपाउंड बना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो सभी में, तो बाद में जो दूसरा वाला एलिमेंट का जो मास होगा ना उनका अगर आप रेशियो लेना चाहोगे ना, तो रेशियो लेते टाइम आपको इस बात का आइडिया लग जाएगा कि वो रेशियो सिंपल आ रहा है, किसी प्रकार का फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है। फ्रैक्शन में नहीं आ रहा है बस इतना ही उन्होंने बताया कि कभी भी कोई कंपाउंड बनाते टाइम इंडेक्स में पॉइंट में नहीं आ सकता, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, कोई भी एटम कंबाइन होते टाइम हमेशा फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं हो सकते, वो या तो एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, इंटीजर टाइप से कंबाइन हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। बट ये भी लो थोड़ा बहुत गलत है, इसको अपन आगे कभी प्रूफ करेंगे अगर अपना उस टाइम मिला तो, बराबर है। जैसे मान लो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, आप मुझे ये बताना कि मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले लो को कौन सा कॉम्बिनेशन फॉलो कर रहा है, बराबर है। विच कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन फॉलो मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन लो, कौन ऐसा होगा जो फॉलो कर रहा होगा। जैसे देखो HCl और H2SO4, H2O और HCl, N2O और NO2, NH3 और NCl3। चलो बताओ क्या लगता है आपको कौन सा आना चाहिए भाई। आपको मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए दो ही एलिमेंट चाहिए, दो एलिमेंट से दो अलग अलग कंपाउंड बनने चाहिए। तो जैसे मान लो इसमें सर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो कॉमन है, बाद में आपने ये और साथ में क्या लिख दिया, उसमें Cl है, इसमें है ही नहीं, इधर सल्फर ऑक्सीजन इतने सारे ले रखे हैं उसमें वो नहीं है, तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। इसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन है लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से ही बनाते हैं ना, यहाँ पे फिर से Cl ले लिया, तो ये भी बैठी नहीं बात, तो नहीं हो पाया। हाँ ये ज़रूर है कि एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मैंने दो एलिमेंट लिए और उनसे मैंने कंपाउंड बनाने स्टार्ट किए, तो मैंने एक कंपाउंड ये बनाया और एक कंपाउंड ये बनाया। आप अगर नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर दो तो आपको पता लग जाएगा, जैसे मतलब ये दिख भी रहा है ना, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड ये, तो बोले ये मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल को फॉलो कर रहा होगा, और बोले ये नहीं कर रहा फिर से, बिकॉज वाई, ऐसा क्यों बोलोगे आप नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन नाइट्रोजन सेम है बट यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ले रखा है, यहाँ पे आपने Cl ले रखा है, तो मैं डिफरेंट एलिमेंट का अगर मास का रेशियो भी लूँ तो मैं किसका लूँ, बराबर है, तो बोले ये भी नहीं हो सकता। इसको बच्चों प्रूफ करना, प्रूफ कैसे करूँ भाई, नाइट्रोजन है और इसमें भी नाइट्रोजन है, किसी एक को फिक्स कर दो आपकी इच्छा, ऑक्सीजन के मास को फिक्स कर लो या फिर नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लो, तो मुझे बताना इसमें नाइट्रोजन का कितना मास है और ऑक्सीजन का कितना मास है,
नाइट्रोजन का इसमें मास मैं लिखूं अगर, तो 14 × 28 ग्राम है सर, 14 × 28 ग्राम है। इसमें कितना है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इसमें है 16 ग्राम। इसमें बताना, तो इसमें एक नाइट्रोजन है, इसमें भी डेफिनेटली ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का इसमें है 14 ग्राम और ऑक्सीजन इसमें डबल है, तो बोलेंगे 32 ग्राम। बराबर है, आप पहले सोच लो, मैं कहले किसको फिक्स करना है, तो नाइट्रोजन को करना है तो नाइट्रोजन को कर लो। तो चलो मैं इसको फिक्स करना चाहता हूँ, तो दोनों के मास को आप इक्वल करो। इक्वल कैसे करना है, लेट सपोज 28 ग्राम नाइट्रोजन इज कम्बाइंड विथ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन मैं क्या बोल सकता हूँ कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन कम्बाइंड विथ 8 ग्राम, बिकॉज भाई हाफ ही तो कर रहे हो आप, तो बोले ये फिक्स हो गया सर, इसका भी 14 ग्राम हो गया और इसका भी 14 ग्राम हो गया। तो फिर इस ऑक्सीजन का रेशियो और यहाँ का रेशियो सिंपल आना चाहिए, तो इसमें कितना है भाई 8 ग्राम, इस वाले में कितना है 32 ग्राम, तो कितने क्या हो जाएगा 1:4। सिंपल है, ऐसा आपको बताना है। बराबर, बाकी तो देखते ही पता लग गया था कि यही हो सकता है, बाकी तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बराबर, चलो देखो, एक अगर मैं इसका उल्टा दूं तो विच कॉम्बिनेशन डज नॉट फॉलो मल्टीपल प्रोपोर्शन लो, चलो इसको ऐसे और करो, डू नॉट या डज नॉट, डज नॉट फॉलो मल्टीपल प्रोपोर्शन लो, कौन ऐसा है जो फॉलो नहीं करेगा, तो मैं कुछ ऑप्शन लिख देता हूं आपको, आप मुझे बताना, ठीक है। चलो SnCl2, SnCl4, सेकेंड मान लो मैंने लिखा PB, बच्चों लेड को बोलते हैं, ठीक है ना, PbCl2 और PbCl4, Sn टिन होता है, टिन मेटल होता है ये। और अगर बात की जाए तो और अगर बात की जाए तो मान लो N2O और N2O5, फोर्थ नंबर पे मुझे बताओ HCl और H2O, कुछ भी लिख लो, HCl लिख लो, H2 लिख लो, NaCl लिख लो, आपकी इच्छा है, मतलब मेरे को ये प्रूफ करना है कि सर कॉमन नहीं है कोई, है ना। चलो बताना एक बार कौन सा ऑप्शन आएगा भाई जो मल्टीपल प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो सर टिन और Cl बनाया मैंने, दो एलिमेंट लिए, एक कंपाउंड ये बनाया, एक कंपाउंड ये बनाया, दो ही बने, करेगा सर। लेड और सीएल को बना के दो कंपाउंड जनरेट किए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को बना के दो कंपाउंड जनरेट किए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पे क्लोरीन तो ठीक है, हाइड्रोजन होना चाहिए था, बोलेंगे तो सोडियम है, तो सोडियम का और हाइड्रोजन का तो कोई लेना देना नहीं है, तो बोलेंगे दिस विल नॉट फॉलो मल्टीपल प्रोपोर्शन लो, वो किसी प्रकार के मल्टीपल प्रोपोर्शनल लो को फॉलो नहीं करेगा बच्चों। बराबर है, अब आपको मैंने एक लोर बताया, पहला लो कौन सा था बताओ, मास कंजर्वेशन, सेकंड बोलो डेफिनेट वाला, थर्ड बोलो मल्टीपल वाला, फोर्थ नंबर लिखो लो ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एक रिंचर नाम का साइंटिस्ट था, उसने इस बारे में बात की थी, रिंचर, इसने क्या बताया था, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, इट स्टेट दैट लेट्स सपोज इसमें तीन एलिमेंट लेने हैं आपको ना, लेट्स इट स्टेट दैट इफ थ्री एलिमेंट्स, लेट सपोज ए बी एंड सी, तीन एलिमेंट लिए अलग अलग, एंड मेक थ्री डिफरेंट कंपाउंड, ए बी के साथ कंबाइन हो जाए, बी सी के साथ हो जाए, ए सी के साथ हो जाए, एंड मेक थ्री डिफरेंट कंपाउंड, तो कौन कौन से कंपाउंड होंगे, ए बी के साथ एंड बी सी के साथ एंड ए सी के साथ,
ऐसे कंबाइन हुए. देन देन द मास ऑफ या मास रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी इज सिंपल इज सेम हो सकता है, या तो मान लो एग्जैक्ट ही आ जाए रेशियो, या फिर मान लो सिंपल आना चाहिए, सिंपल रेशियो. इसको आगे लिख दूं, आगे विथ कंबाइंड विथ विथ कंबाइन कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ ऑफ सी. मैंने क्या लिखा है देखो, अगर मान लो कोई ए बी सी, आपने तीन एलिमेंट लिए, तीनों एलिमेंट से डिफरेंट कंपाउंड जनरेट किए ए बी बी सी और ए सी, तो आपको ये नोटिस करना है कि जो ए और बी का जो रेशियो आएगा, जैसे ए और बी का इसमें और इसमें, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो जो होगा, वो रेशियो जो अपन बोलेंगे अनदर कंपाउंड में, लेट सपोज जो सी के साथ कंबाइन होने पर उसका जो भी आएगा रेशियो, वो या तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिंपल होना चाहिए, या फिर मान लो हो सकता है सेम ही आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ सी, कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ सी, उसके फिक्स्ड मास के साथ उसका रेशियो वो सिंपल या फिर आना चाहिए. इज इट क्लियर? अब देखो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल देता हूँ. लेट सपोज मान लो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है. मान लो मैंने तीन एलिमेंट लिए, अब इन तीन एलिमेंट से मिला के आपको डिफरेंट कंपाउंड जनरेट करने हैं. जैसे कार्बन और हाइड्रोजन से बनाया मैंने CH4, और मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाया H2O, और मैंने कार्बन और ऑक्सीजन से बनाया लेट सपोज CO2. मैंने ऐसे तीन कंपाउंड जनरेट कर दिए. अब मुझे प्रूफ करना है रेसिप्रोकल लॉ, तो बोले कैसे करते हैं. ये कार्बन आप कोई को भी दो ले लो, देखो दो आपको पहले कॉम्बिनेशन लेने हैं, बराबर है. पहले चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, चाहे ये दो ले लो, बराबर. इसमें कार्बन कितना बचो 12 ग्राम, इसमें हाइड्रोजन कितना है 4 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, इसमें कार्बन कितना है 12 ग्राम, इसमें ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम. ये सब लिख लिया मैंने. अब आप किन दो को लेना चाहोगे? मान लो लेट सपोज मैं इन दो को लेना चाहूँगा, ठीक है ना, इन दो को लेना चाहूँगा. तो इन दोनों में कौन कौन है जो, एक तो कॉमन होगा कोई ना कोई, तो कॉमन कौन है बच्चों? इसमें हाइड्रोजन कॉमन है, बराबर है. इस हाइड्रोजन को आप क्या करो, फिक्स कर दो. तो बोलेंगे फिक्स कैसे करें, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 ग्राम, तो मैंने फिक्स कर दिया मान लो एक को. तो आप क्या बोलोगे, इधर भी फिक्स करो, तो बोलेंगे 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, फिर वो कंबाइन कितना होगा, हाफ किया है तो इधर भी कितना हो जाएगा 6 ग्राम, कर दिया. ये एक को आपने फिक्स कर दिया, तो उन दोनों का रेशियो क्या आएगा बाकी जो बच गया? जैसे हाइड्रोजन को आपने फिक्स कर दिया, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आया? तो बोलेंगे कार्बन 2 ग्राम फिक्स, तो इसका 6 और यहाँ पे 16, ये आया. इनडायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ 3:8 आया सर. ये रेशियो जो थर्ड कंपाउंड बना है उसके अंदर या तो एग्जैक्ट सेम आ जाना चाहिए, और अगर एग्जैक्ट सेम नहीं आए तो उसके जैसा आ जाना चाहिए, सिंपल रेशियो फाइनली उस टाइप का कन्वर्ट हो जाना चाहिए. ओके, ये कार्बन रहा भाई, ये ऑक्सीजन रहा, ये 12 ग्राम रहा, ये 32 ग्राम रहा, ये एक्चुअली अंदर क्या रेशियो है ये? तो बोले ये रेशियो 3:80 तो आई और विच सेम. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, उल्टा होता है इसमें जस्ट, है ना. आपको मान लो मन में आएगा सर मैं इन दोनों को लेके फिक्स नहीं करूँगा, मैं तो बोलूँगा इन दोनों को फिक्स लो और ये प्रूफ करोगे उसका रेशियो ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है. इन दोनों को लेना है ना, तो फिर आप बताओ इन दोनों में कॉमन कौन है? ऑक्सीजन कॉमन है, तो ऑक्सीजन का मास फिक्स करो. तो ऑक्सीजन का मास फिक्स कैसे करें, यहाँ पे कितना है 16 ग्राम, एक को फिक्स कर लो. इसको भी आप 16 ग्राम बना सकते हो क्या? हाँ, बोलेंगे 32 ग्राम के साथ सर 12 ग्राम कंबाइन होता है, तो अगर मैंने बोला 16 ग्राम के साथ कंबाइन कितना होगा, तो वो भी 6 ग्राम होगा, तो फिक्स कर लिया.
तो फिक्स करने के बाद में हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो क्या आया, आप रोल्ट कैसे लिख लो, अच्छा लगता है कार्बन और हाइड्रोजन ऐसे, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे कितना है 2, तो इनडायरेक्टली क्या है ये 3:1, 3:1, ये का ये रेशियो वहाँ आना चाहिए जो ये कंपाउंड बना होगा। तो बोले इसमें क्या है सर CH4, ये कितना था 12 ग्राम, ये कितना है 4 ग्राम, तो क्या रेशियो आया भाई, तो 3:1 इसमें आया। सेम ऐसे करना होता है। अब एक आप करना है ना, अपने आप से नहीं हो तो मुझे बताना क्या करना, आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेना, इसमें कॉमन कौन है कार्बन, तो कार्बन के मास को फिक्स कर दो, बाद में देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आता है, वो रेशियो इसमें होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो मतलब ये जो कंपाउंड्स है वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को फॉलो कर रहे हैं। इसको रब कर लेता हूँ बच्चों, एक मिनट रुको। चलो बच्चों ये बातें क्लियर हो गई। अब अपन नए कंसेप्ट पे आते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक अपने ना बेसिक पे काम कर रहे थे, मोल पे, क्वेश्चन कैसे एटम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, अब रिएक्शंस पे आ रहे हैं। अभी रिएक्शन के अंदर आपका मोल का क्या यूज है एक्चुअली के अंदर, अपन रिएक्शन में जब कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा एक दूसरे के साथ, जब प्रोडक्ट जनरेट करेगा, तो उस केस में अपन वहाँ पे मोल का क्या यूज लेने वाले हैं। अब एक्चुअली के अंदर मोल का जो रियल में यूज है ना वो अब आने वाला है, क्लियर है। तो उसको अपन एक नाम देते हैं, उसका नाम होता है स्टोइचियोमेट्री। ये जो स्टोइकोमेट्री या फिर इसे कई बार स्टोइचोमेट्री भी बोलते हैं, ये क्या होता है, इस वर्ड का मीनिंग आपको बहुत ही क्लियर होना चाहिए, है ना। ये एक्चुअली के अंदर काम कब आएगा, ये काम तभी आएगा जब रिएक्शन की बात चल रही होगी, है ना। तो इट इज़ रिलेटेड टू बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, कभी भी रिएक्शन को मान लो बैलेंस करना होता तो इसका थोड़ा यूज आने वाला है। इट इज रिलेटेड टू बैलेंसिंग, बैलेंस करना अपन को, बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा, बैलेंसिंग ऑफ या टू केमिकल रिएक्शन। जब स्टोइचोमेट्री अपने पास नहीं था ना बच्चों, जिस टाइम अपने पास था ही नहीं कुछ ऐसा, स्टोइचोमेट्री जैसा कंसेप्ट नहीं था, तो उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गे लुसक। उसने एक ना स्टेटमेंट दिया था अपना, और वो बहुत ही सही स्टेटमेंट था। इट इज स्टोइचोमेट्री इज रिलेटेड, अपने दो लॉ पढ़ेंगे पहले अपन, है ना, उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको इस मीनिंग इसका क्लियर हो जाएगा क्या है एक्चुअली के अंदर। तो वो जो पहला लॉ है वो लॉ है गे लुसक लॉ, गे लुसक लॉ। इस गे लुसक लॉ ने क्या बताया भाई, ये बात कब की है, ये बात जब की है जब स्टोइचोमेट्री रिलेटेड बातें नहीं हुई थी पहले, तब इसने कुछ बातें बताई थी। इसने ऐसे बताया कि इन एनी गैसियस के नीचे बच्चों अंडरलाइन करना, इसने गैसों पे ही काम किया था। इन एनी गैसियस केमिकल रिएक्शन happens या always हमेशा लिख लो always happens in fixed simple ratio। कोई भी मान लो एनी केमिकल एनी गैसियस रिएक्शन जो भी होती है वो हमेशा किस में होती है, इनको हटा दो बच्चों, हटाने की कोई लगाने की जरूरत नहीं है इसका, बस इतना से एक शॉर्ट लाइन लिखी है मैंने। अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन चल रही है, लेट सपोज, तो उस गैसियस रिएक्शन में ओबियस है कोई रिएक्टेंट होगा, कुछ प्रोडक्ट जनरेट करेंगे। उसने ऐसा बताया कि हमेशा उनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो फिक्स होता है, फिक्स्ड सिंपल रेशियो, और हमेशा उसी रेशियो में होती है, वो दूसरा रेशियो आप ला भी नहीं सकते। और उसने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखे, जैसे कि मान लो उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे नाइट्रोजन बच्चों की गैस होती है, उसने हाइड्रोजन गैस के साथ उसको रिएक्ट कराया, इट मींस दीज आर रिएक्टेंट्स, ये कौन है बच्चों मेरे लिए रिएक्टेंट है,
जब ये दोनों रिएक्शन की तो उसने नोटिस किया कि उसे अमोनिया मिला, और NH3 जो अमोनिया, इट इज़ ऑल्सो गैस एंड प्रोडक्ट। तो गे लोसक ने क्या नोटिस किया कि इन केमिकल रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऑलवेज हैपन इन फिक्स्ड वॉल्यूम रेशियो, भी लिख सकते हो आप फिक्स्ड सिंपल वॉल्यूम रेशियो। मान लो आपको मैंने बोला कि वॉल्यूम लिख लो तो चलेगा, है ना। अब रेशियो किसका लें भाई, तो उसने ऐसा नोटिस किया कि इफ़ आई टेक 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस, देन इफ इट कंबाइंड विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, देन इट विल मेक 2 लीटर ऑफ अमोनिया। ऐसा उसने नोटिस किया, तो उसको फिर बाद में पता चला कि उसने दूसरे दिन भी अमोनिया बनाया, तो उसको पता चला कि ऐसा ही हो रहा था। अगर आप 1 लीटर नाइट्रोजन लोगे ना, तो वो 3 लीटर हाइड्रोजन उसको रिक्वायर्ड होगी रिएक्ट करने के लिए, और उसे 2 लीटर अमोनिया जनरेट हुआ। ये उसने ऐसा डिस्कस किया। बाद में उसने मान लो कोई और रिएक्शन ली होगी, जैसे मान लो H2 एक गैस है, वो I2 गैस के साथ लेट सपोज रिएक्शन की, और उसे 2HI नाम की कोई गैस मिली, ऐसी कोई रिएक्शन हुई। उसने ये नोटिस किया कि इफ़ आई टेक 1 लीटर ऑफ H2 गैस एंड 1 लीटर ऑफ I2 गैस, देन इट विल बिकम कन्वर्ट 2 लीटर ऑफ HI गैस। ऐसा उसने फिर नोटिस किया। तो कुछ रिएक्शनों के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया, बाद में उसने ये कंक्लूजन दिया कि हमेशा कोई भी गैसियस केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन गैसियस स्टेट में चल रही है, तो उसके अंदर चाहे प्रोडक्ट बनाए, रिएक्टेंट रिएक्ट करे, उनका जो तरीका होगा, जो रेशियो होगा, वो हमेशा जीवन भर फिक्स होगा फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। अगर आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को चाहे दुनिया में कोई भी लैब में लेके जाओ, या फिर रात में चाहे रिएक्शन कराओ, चाहे दिन में रिएक्शन कराओ, हमेशा ऐसा ही होगा। लेकिन उसे इस बात का नॉलेज नहीं था कि स्टोइचोमेट्री क्या होता है। अगर वो नॉलेज होता ना, तो वो ऐसे बात नहीं करता, है ना। एक्चुअली अंदर पता है आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ना बैलेंस करना पड़ेगा अपन को रिएक्शन को। क्या ये रिएक्शन बच्चों बैलेंस है? क्योंकि बैलेंसिंग से पहले की बात थी, जब रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी आती थी लोगों को, तब की बात थी। अब आपको तो बैलेंस करने के लिए बोलूँ तो मैं बैलेंस कर सकती हूँ। बैलेंस का मतलब एटम को आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, तो मुझे इधर करना पड़ेगा ना 2, तो एक्चुअली के अंदर यहाँ पे 2 आएगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो मुझे यहाँ पे जब 2 लिखोगे तो 3 × 6 हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पे 3 करना पड़ेगा ताकि ये 6 हो जाए। वो जो आ रहा है ना यहाँ पे, इन्हीं को अपन आगे जाके स्टोइचोमेट्री कोफिशियंट्स बोलेंगे, और आगे जाके अपन एक मॉडर्न डेफिनेशन दे देंगे कि जो स्टोइचोमेट्री कोफिशियंट्स है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होती है, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी जनरेट होते हैं। इसी वजह से देखो यहाँ पे 1 लीटर आ रहा है, और यहाँ पे जो 3 है ना, उसकी वजह से वो 3 लीटर आ रहा है, और वो यहाँ पे 2 आएगा, दैट्स वाई रीजन यहाँ पे 2 लीटर वो प्रोड्यूस करेगा। सेम केस इफ आई से बैलेंस करो इसको, तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 आई है, तो यहाँ पे 2 आई करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, लेकिन रियल में जब उसने गेलू ने काम किया था, तो उसे पता नहीं था यहाँ पे 2 आएगा 1 आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे 2 आएगा, उसी वजह से तो वो 2 लीटर आ रहा है, बराबर। मैंने ऐसा नहीं किया कि इन दोनों को जोड़ दिया। और कभी रिएक्शन में ऐसा भी नहीं कर देना कि आपने मान लो 1 लीटर लिया है तो 3 लीटर लिया है तो सर 4 लीटर बननी चाहिए थे ना, है ना। यहाँ पे वॉल्यूम की बात चल रही है, मास की बात नहीं चल रही है। मास में हमेशा ये बात हो सकती है कि सर इसका 5 ग्राम है, इसका 5 ग्राम है, तो बिल्कुल सर 5 × 4 = 5 = 10 होता है, तो आपके बीकर में चाहे प्रोडक्ट साइड कुछ भी बना होगा, लेकिन सर 10 ग्राम तो रहना चाहिए। मास हो सकता है, वॉल्यूम कभी कंजर्व नहीं रहता है। वॉल्यूम तो रिलेटेड मोल्स, तो मोल थोड़ी बढ़ते कम होते, वो तो कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर? उसी के बाद में एक लो और आ गया था, वो लो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। उस लो का नाम है एवोगैड्रो लो, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। और इसे अपन लो भी बोल सकते हैं। इसने तो वही बात बताई थी ना, कौन सी बच्चों? पीवी को टू एनआरटी से प्रूफ करके, याद है क्या? वो क्या बताया था उसने? एट कॉन्स्टेंट क्या होना चाहिए? कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दो, और क्या कॉन्स्टेंट कर दूं? एंड प्रेशर। तो क्या होता है? देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई सेम या फिर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऐसा उसने बताया था।
उसने ऐसा बताया था कि लेट सपोज मान लो एक अगर कोई गैस है ए गैस, एक मान लो कोई गैस है बी गैस, बराबर है। यहाँ पे आपको प्रेशर और टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट कर रखा है आपने, आप उसको चेंज नहीं कर रहे हो, यहाँ पे मान लो कांस्टेंट है, तो आप तो सिर्फ इतना बता दो मुझे कि इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, इसके अंदर वॉल्यूम कितना है। तो मान लो मैंने बोला इसके अंदर वॉल्यूम वी है भाई, तो वॉल्यूम अगर वी है तो इसमें मॉलिक्यूल कितने हैं, तो बोले एन मॉलिक्यूल है। तो फिर बाद में आपको इधर वाले में बताने की जरूरत नहीं, अगर मैंने बता दिया इधर वाले में वी वॉल्यूम है तो अपन बिना देखे बोल सकते हैं इट कंटेन डेफिनेटली एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस बी, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि गैस कौन सी है। इफ आई कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर देन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस ऑलवेज ऑक्यूपाई द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमेशा ऐसा होता है। एवोगैड्रो यही बात बताई थी उसने, और इसने मॉलिक्यूल्स के ऊपर काम किया था, ऐसा नहीं बोला था एटम सेम होते हैं, क्या पता कोई मॉलिक्यूल में एटम ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है कोई मॉलिक्यूल में एटम कम हो, तो अपन एटम के बारे में किसी प्रकार का कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बारे में अपन कमेंट कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात। जैसे ये दोनों साइंटिस्ट हुए, कौन कौन साइंटिस्ट, एक तो एवोगैड्रो और एक गे-लुसक, दोनों ने काम किया। इन दोनों लोगों को अगर अपन कंबाइन कर देना तो ये स्टोइचोमेट्री आके निखरती है, और इसी से ही यहाँ से स्टोइचोमेट्री स्टार्ट होती है। जैसे मान लो मैं वापस से वो रिएक्शन लिखता हूँ, कौन सी, लेट सपोज N2 है और वो हाइड्रोजन है और वो NH3 गैस बना रही थी, बराबर है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, पूरी रिएक्शन मान लो चल रही है कांस्टेंट प्रेशर पे और टेम्परेचर भी आप बार बार चेंज नहीं कर रहे हो मान लो, बराबर है। अगर मैं गे-लुसक के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसने ये बताया था कि मान लो V लीटर इसका लोगे ना या फिर 1 लीटर लोगे तो इसका तो 3 लीटर लेना पड़ेगा, अगर इसका V लीटर लेते हो तो फिर इसका आपको 3V लीटर लेना होगा और इसका 2V लीटर बनेगा, ऐसा उसने बताया। ये बात किसने बताई, ये बात बताई गे-लुसक ने, बराबर है। अब उसके बाद में अगर मान लो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, अब आपने एवोगैड्रो याद करो, उसने बोला कि इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लेट सपोज V वॉल्यूम अगर होता तो उसमें N मॉलिक्यूल होते गैस के, तो 3V टाइप होता, अगर तीन गुना वॉल्यूम होता तो बोले मॉलिक्यूल भी तीन टाइम्स हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 3n मॉलिक्यूल्स, और अगर मैंने बोला कि यहाँ पे तो बोलेंगे 2n मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। क्या ये बात आपको ठीक लग रही है, ये मॉलिक्यूल वाला फंडा किसने बताया था, ये बात बताई थी एवोगैड्रो ने, ये बात किसने बताई थी एवोगैड्रो ने। इफ़ आई कंबाइन बोथ लो गे-लुसक और एवोगैड्रो तो मैं एक बात बता सकता हूँ क्या, कि अगर मैं ये मॉलिक्यूल के मेरे पास नंबर है तो आप डिवाइड बाय एन ए करके इसको मोल बना सकते हो, तो बोले हाँ डिवाइड बाय एन ए करके मैं उसको मोल बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये क्या बात बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अगर इस देखो पर्टिकुलर इसी के लिए अगर बात करें तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एन मोल के साथ, अगर मैं इसके एन मोल लूंगा तो आपको 3n मोल चाहिए और इसके 2n मोल चाहिए, मतलब 2n मोल प्रोड्यूस होंगे, ऐसा मोल में भी बात कर सकते हैं अपन। और ये मोल में और यहाँ पे इसकी अगर बात करें एक पर्टिकुलर इस रिएक्शन की, तो V लीटर की जगह मैं यहाँ पे बोलूँगा वो जैसे मैंने पहले क्या बताया था 1 लीटर 1 लीटर, ये मैं इन जनरल बात की है ऐसा हमेशा होगा, लेकिन अगर मान लो आप V नहीं चाहते तो बोलेंगे 1 लीटर लोगे तो 3 लीटर इज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट रिएक्ट एंड 2 लीटर आपके पास को अमोनिया गैस मिलेगी। अगर 1 लीटर में एन मॉलिक्यूल है तो 3 लीटर में कितने होंगे, तो बोलेंगे 3n मॉलिक्यूल होंगे, 2 लीटर में कितने होंगे, तो बोलेंगे 2n मॉलिक्यूल होंगे, बराबर है। ओके, अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एन ए अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर है तो उसमें एन मॉलिक्यूल है, डिवाइड बाई एन ए किया मैंने, है ना। अगर मैंने मोल में बात की तो मैं बोलूँगा लेट सपोज n इक्वल्स टू 1, मैं तो n 1 मोल की बात करूँगा, अगर 1 मोल के साथ क्या हो रहा है तो 1 मोल के साथ कर लो, तो बोलेंगे 1 मोल और इसके हो जाएंगे 3 मोल और इसके हो जाएंगे 2 मोल। फाइनली ये कंक्लूजन आ रहा है,
फाइनली एक कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है, एनी गैसियस रिएक्शन, द वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। अगर मैंने बोला कि ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है और अमोनिया बना रही है, तो किस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तो 1:3, और बना किस रेशियो में रहे, तो 2। दिस इज द वॉल्यूम रेशियो। अगर मैं बोलूँ मोल में बात करूँ, चाहे मॉलिक्यूल में बात करूँ, तो सर यही आएगा 1:3:2, है ना। तो बोलेंगे 1:3:2, इसका मतलब फॉर एनी गैसियस केमिकल रिएक्शन, गैसियस केमिकल रिएक्शन को लिक्विड में या चल रही है तो उनके लिए नहीं, फॉर एनी गैसियस रिएक्शन वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो। बट ये बात कब वैलिड है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है, और आपको अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है तो अपन कॉन्स्टेंट ही कंसिडर करते हैं। चलो कॉन्क्लूजन क्या लिखें, कॉन्क्लूजन अपने ये लिखा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू मोल रेशियो ओनली वैलिड फॉर गैसियस केमिकल रिएक्शन। कोई अगर ऐसी रिएक्शन है जो गैसियस स्टेट में चल रही है तो उनके लिए वैलिड है, जैसे ये वाली रिएक्शन है ना। ओके, ये जो मैं मोल का रेशियो लिखता हूँ ना, तो वो मोल के रेशियो मतलब क्या, ऐसे बोल के दिखाओ, इफ आई टेक 1 मोल देन इट विल रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये एथिलीन के अंदर मोल का रेशियो क्या है, यही तो है ये, कि आप अगर इसका 1 मोल लोगे तो वो रिएक्ट करेगा 3 मोल के साथ एंड इट विल प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया। ये इसी वजह से तो आ रहा है। तो उसने ऐसे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन करा के देखी, जब आपने दो ये जो लो है इनको कंबाइन करके देखा, तो फाइनली इस बात को डिसाइड किया गया कि अच्छा ऐसा है क्या, मोल के रेशियो में ही कंबाइन होते हैं और मोल के रेशियो में ही बनते हैं। ये आपने क्या लिखे हैं रेड कलर में, ये रेड कलर में एक्चुअली के अंदर इनडायरेक्टली बैलेंस किया आपने रिएक्शन को, कि यहाँ पे नाइट्रोजन सर 2 है तो मुझे इधर को 2 करने के लिए 2 लगाना ही पड़ेगा, और अगर ऐसा मैंने किया तो सर हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे कितने हो गए, 6 हो गए, तो मुझे यहाँ पे 6 करने पड़ेंगे। ये यहाँ से पता चल गया बाद में, अच्छा ऐसा करना है क्या, रिएक्शन को बैलेंस करनी है, और आफ्टर बैलेंसिंग जब रिएक्शन को अपन बैलेंस कर देते हैं, और ये रेड वाले जो आप किसी भी रिएक्टेंट के आगे और प्रोडक्ट के आगे लिखते हो, इनको अपन कोफिशियंट्स बोलते हैं, और इन्हीं कोफिशियंटों का नाम है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। इन्हीं का नाम क्या रखा गया, स्टोइकियोमेट्री कोफिशियंट। बराबर है, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, SC। अब आपको क्या करना है, हमेशा रिएक्शन जो होती है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट के अकॉर्डिंग होती है। तो एक और कंक्लूजन अपन क्या बोल सकते हैं, पास में एक क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन, और ये कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट तो कोई चाहे गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे कोई हो, ये हमेशा वैलिड है। वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू मोल रेशियो, ये सिर्फ गैस के लिए, बाकी रिएक्शन हैपेंस इन स्टोइकियोमेट्रिक हैपेंस अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। हमेशा जितनी भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शन चाहे वो किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, वो हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमेशा प्रोडक्ट जनरेट करते हैं। इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। अब आगे आने वाले रिएक्शन अपने पास इसी के ऊपर वर्क करने वाले हैं अपन, जैसे लैंग्वेज वाइज लिख के दिखाओ मुझे, जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे नाइट्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है, और वो दोनों मिलके अमोनिया बना रही है, वो भी गैस है, गैस हो चाहे नहीं हो, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए।
यहाँ पे सर दो नाइट्रोजन तो मुझे इधर टू कर दिया, ऐसा करने से सर सिक्स हाइड्रोजन हो गई तो इधर थ्री कर दिया। ये जो आप लिखते हो यहाँ पे, ये क्या है? स्टोइचोमेट्री कोफिशियंट, इट मीन्स दे आर मोल रेशियो, दे आर नॉट मोल, दे आर मोल रेशियो। ये सिर्फ आपको इतना बताएगा कि किस रेशियो में कॉम्बिनेशन होगा और किस रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को देख के आप क्या बोलोगे, इफ आई टेक वन मोल ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ कितने मोल के साथ, विथ थ्री मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस टू मोल ऑफ NH3। ये वैलिड है, ऐसे बताना आपको, लेकिन ये बात कभी मास में मत करना। ये स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये रियल में क्या है, मोल के रेशियो है, ये मोल के रेशियो, मास के रेशियो नहीं है। तो ऐसा तो कभी मत बोल देना कि 1 ग्राम या फिर 1 kg 1 ग्राम ऑफ सर नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस 2 ग्राम ऑफ NH3। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है, 100% गलत है। क्यों भाई, मास तो कंजर्व रहता है ना, मास रेशियो थोड़ी है, तो मोल के रेशियो है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई 1 ग्राम आपने N2 लिया और आपने 3 ग्राम मान लो बीकर में हाइड्रोजन लिया और दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो बाकी कहाँ गया भाई, 3 और 1 तो 4 ग्राम थे ना। तो भाई बने चाहे कुछ भी, प्रोडक्ट चाहे कुछ भी बने, लेकिन 4 ग्राम तो बनना चाहिए ना, तो बोले 2 ग्राम थोड़ी बन सकता है, मास रेशियो नहीं है बच्चों। दीज आर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड बेसिकली स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर व्हाट, मोल रेशियो, विच इंडिकेट दैट के इन विच रेशियो द रिएक्टेंट्स आर रिएक्टेड एंड इन विच रेशियो द प्रोडक्ट विल बी मेड। आपके प्रोडक्ट कितने बनेगा, रिएक्टेंट है वो किस रेशियो में कितने रिएक्ट करेंगे, ऑल दीज इन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गिव्स बाई स्टोइचोमेट्री कोफिशियंट्स। बाकी इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बच्चों आगे, कल अपन बैलेंसिंग सीखेंगे, कैसे रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, इनका रियल यूज क्या है, बराबर है? चलो देखो, चलो क्वेश्चन ऑफ द डे करें। क्वेश्चन ऑफ द डे, आप ये मुझे बताओ कि HNO3 है मेरे पास कोई कंपाउंड, बराबर है, उसमें आप इसमें नाइट्रोजन कितना है, इसमें हाइड्रोजन कितना है, इसमें ऑक्सीजन कितना है, ये परसेंटेज बताने हैं आपको, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।